हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम समझेंगे स्टैगफ्लेशन क्या होता है और क्या इंडिया इसे अभी फेस कर रहा है, और लेक्चर के लास्ट में हम समझेंगे कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। सो लेट्स बिगिन विद स्टैगफ्लेशन क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जब कभी भी स्टैगफ्लेशन वर्ड आपके सामने आता है तो इसका मतलब होता है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्टैगनेंट ग्रोथ। स्टैगनेंट ग्रोथ का मतलब होता है बहुत ही कम ग्रोथ हो रहा है आपकी कंट्री का, या फिर हो ही नहीं रहा है, या फिर स्टैग्नेंट ग्रोथ की जगह एक और आप यहाँ पे इसको एक किसी वर्ड से अगर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और स्टैग्नेंट ग्रोथ प्लस राइजिंग इन्फ्लेशन। तो अगर एक ही टाइम पे अगर ये दोनों फिनोमिनास अगर आपको देखने को मिलते हैं तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। अब इसकी अगर हिस्ट्री के बारे में स्टडी करें तो हमें मालूम चलता है कि स्टैगफ्लेशन जो ये वर्ड है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम लेन मैकलियोड ने दिया था, जो कि एमपी थे, कहाँ के, यूनाइटेड किंगडम के। 1965 में इन्होंने ये वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। अब इसकी एक एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे परफेक्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है मिड 70s में। तो आखिर उस समय होता क्या है? देखिए, उस समय जो जितने भी ये ओपेक कंट्रीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इन्होंने क्या किया, डेलिब्रेटली इन्होंने सप्लाई ऑफ ऑयल जो है इनको कम कर दिया। अब आपको पता है जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए उनको ऑयल की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, जितने भी आपके सेक्टर्स हैं सभी इस पे डिपेंडेंट हैं। तो इन्होंने क्या किया, सप्लाई इसकी कम कर दी और डिमांड इसका ज़्यादा है। तो स्वाभाविक सी बात है, सिंपल अगर हम लॉजिक लगा के देखें तो किसी चीज़ के लिए डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उसकी कम है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके प्राइसेस जो है वो राइज हो जाएंगे। और एक बार अगर उसके प्राइसेस राइजेस हो जाते हैं तो इसका डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट किस पे आपको देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन पे। तो प्रोडक्शन अगेन, एक तरफ तो प्राइसेस जो है पेट्रोल के ऑलरेडी मान लीजिए हाई हो जाते हैं और उस पर डिपेंडेंट जितने भी आपके सेक्टर्स थे वहाँ पे प्रोडक्शन रुक जाता है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी एक तो कम हो जाएगा, जिसके चलते होगा क्या है, जो बेसिक गुड्स हैं उसकी भी जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी और डिमांड ऑलरेडी उसके लिए ज़्यादा ही है, तो फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो 1970s की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का ही आपको सिचुएशन देखने को मिलता है। तो ये एक परफेक्ट आपको एग्जांपल देखने को मिलता है एक स्टैगफ्लेशन का, और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको देखने को मिला था। और इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको देखने को मिलती है 1974 में। क्या होता है कि ये जो प्राइसेस है ऑयल के, ये लगभग 70% से बढ़ गए थे। तो एक तरफ इन्फ्लेशन तो आपको ये देखने को मिल रहा है पेट्रोल में, और दूसरी तरफ आप देखते हो कि जो बेसिक गुड्स जो हैं, ठीक है, सभी अगर कंबाइनली अगर हम सभी गुड्स की बात करें तो वहाँ पे जो इन्फ्लेशन का रेट था वो लगभग 10% तक पहुँचने वाला था। तो एक परफेक्ट आपको एग्जांपल देखने को मिलता है कि किस तरीके से एक आपकी इकोनॉमी भी ग्रो नहीं कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ रहा है और उसके साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक था इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल, इनफैक्ट परफेक्ट एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या इंडिया अभी इस सिचुएशन को फेस कर रहा है। तो देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसे क्लोजली स्टडी कर रहे हो, अगर पिछले 6-7 महीने से, तो आपने नोटिस किया होगा कि क्वार्टर दर क्वार्टर जो है जीडीपी ग्रोथ रेट जो है इंडिया का कम होता जा रहा है। और अगर हम लेटेस्ट जो आपका सेकेंड क्वार्टर था, अगर उसके जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो ये जस्ट 4.5% था। तो कहीं ना कहीं एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि आपका जो ग्रोथ रेट है वो तो कम हो रहा है। अब दूसरा यहाँ पे बात आता है इन्फ्लेशन का, क्या इन्फ्लेशन भी राइज कर रहा है? अगर ये दोनों ही चीज़ें देखने को मिल रही है तो आप कहोगे कि हाँ, इंडिया में स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट का इस पे स्टांस क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इस पे बोला तो नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से एक कंक्लूज़न यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि अगर इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो पिछले अगर हम कई सालों से अगर देखें इंडिया के ग्रोथ रेट की, तो हम 7% से ग्रो कर रहे थे, 8% से ग्रो कर रहे थे, 6.5% के साथ ग्रो कर रहे थे। तो ये साल ऐसा था जहाँ पे ग्रोथ रेट जो थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्टैगफ्लेशन आ गया है, ये जस्ट आप कह सकते हो एक शुरुआत है। हालांकि काफ़ी लंबे समय से ग्रोथ रेट कम है तो एक शुरुआत हो चुका है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि आगे आने वाले समय में ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन की शुरुआत जरूर हो चुकी है इंडिया में, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं रहेगा, ये बहुत ही जल्दी रिकवर हम इसको कर लेंगे। और दूसरा यहाँ पे जो फैक्टर है जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि स्टैगफ्लेशन इंडिया में नहीं है, वो है इन्फ्लेशन। ग्रोथ रेट तो एक फैक्टर आपका हो ही गया, लेकिन जब हम स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं तो सिर्फ ग्रोथ रेट ही यहाँ पे डिफाइन नहीं करेगा, यहाँ पे साथ में इन्फ्लेशन भी होना चाहिए। लेकिन जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये 6% से कम है, जो हमने टारगेट सेट किया है +4 ±2 जो है, तो उसके बिल्कुल ये बीच में ही है, हमने इसको एक्सीड नहीं करा है। तो ये क्राइटेरिया जो ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि इंडिया जो है
स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन जो अभी फेस नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है जो कि आपको बताना चाहेंगे कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्याज के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुके हैं, तो क्या इसको इन्फ्लेशन कहेंगे? इसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है कि जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो है सभी के जो प्राइसेस हैं वो राइस हो चुके हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर अगर एरिया की बात करें, एक पर्टिकुलर माली माफ़ कीजिएगा कमोडिटी की अगर हम बात करें, अगर वो राइस होता है तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहा जाता। अब प्याज की बात आ ही गई है तो चलिए जाते जाते यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे लार्जेस्ट अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो कौन से हैं, ठीक है। तो ये टॉप थ्री है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको मालूम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, और इनके नेम्स भी पता होने चाहिए। तो नंबर वन है महाराष्ट्र, एंड सेकेंड पे है कर्नाटका, एंड थर्ड इज़ गुजरात, ठीक है। आपने याद रखना है ये क्वांटिटी, आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो पॉज करके। अब जाते जाते हम समझते हैं कि ये कोर इन्फ्लेशन क्या है। जब ये आर्टिकल पढ़ते हो इंडियन एक्सप्रेस का, तो वहाँ पे कोर इन्फ्लेशन जो है ये भी वर्ड यूज़ किया गया था। तो कोर इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जितने भी आपके फूड आइटम्स हैं, ठीक है, उनको छोड़ के, एनर्जी सोर्सेज जो है जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, इन सभी को छोड़ के बाकी दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज में अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में कब इस्तेमाल किया गया था? 2001 में, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो कोर इन्फ्लेशन क्या है ये हमने समझा, स्टैगफ्लेशन क्या है ये समझा, और भी एक दो बातें हमने डिस्कस करी इस वीडियो में। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।